आपने देखा कि एनसीईआरटी के लिए भी जो कोर्सेज हैं फाउंडेशन कोर्सेज वो शुरू हो गए हैं। हाँ मैम, मैंने भी देखा। सर आप क्या सोचते हो, सच्ची में ऐसे कोर्सेज होने चाहिए? मैम मेरे को ये लगता है कि अगर एनसीईआरटी के लिए भी आप एक एस्पिरेंट को अगर कोचिंग की जरूरत पड़ रही है ना, देन दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट फिट फॉर सिविल सर्विसेज, बिकॉज एनसीईआरटी तो आपने 10th लेवल तक पढ़ी ही है, उसके बाद ठीक है उस टाइम उस एंगल से नहीं पढ़ा था आपने, बट आप खुद उनको पढ़ सकते हो। अभी भी उनको 8th, 9th, 10th, 11th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ सकते? देखो बात तो यार बिल्कुल सही, बिकॉज अब बाकी ने क्या किया हुआ है, अब स्पेशल एनसीईआरटी के कोर्सेज आ गए हैं कि कोर्सेज लो कि मैम अगर मतलब हमें कोर्सेज किसके खरीदने पड़े तो सिविल की तैयारी फिर कहाँ रहेगी, फिर तो हम एनसीईआरटी पढ़ने लगे दोबारा, फिर तो वो 8th, 9th, 10th का सिलेबस ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिकॉज आप ये देखो ना एग्जाम किस लेवल का है, एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल का। यस मैम, बट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट ये पॉइंट पे हम सब एग्री कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बच्चे को खुद से पढ़नी चाहिए और अपना बेस जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी वो अपनी प्रिपरेशन को। मैम इससे दो बेनिफिट होंगे स्टूडेंट को, पहला तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आएगा, सेकंड चीज आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है जब आप खुद से पढ़ते हो, राइट सर, नोट्स भी अच्छे से बनाने आपको आते हैं वहां से, हर चीज थोड़ा मैम स्पून फीड करानी होती है, कुछ चीज आप खुद पढ़ोगे विंग बनेगी आपकी, क्योंकि यूपीएससी का एक्चुअली सिलेबस डिफाइंड है, बट अगर आप एनसीईआरटी खुद पढ़ोगे ना तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पढ़ के पता चल सकता है। बट यहाँ पर हमारी जो बात है कि उसके लिए कोचिंग की जरूरत है कि नहीं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो एंड से प्रिपेयर, कोचिंग की जरूरत नहीं, उससे बेस बन सकता है बहुत अच्छा सिलेबस के हिसाब से, जो एनसीईआरटी है उन्हें टारगेट करना चाहिए रेदर देन कि एनसीईआरटी ही पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी सॉरी बोला गया है, हमें तो टॉपिक्स बोले। बिल्कुल मैम बिल्कुल, हाँ जी, आपको सिर्फ अपना बेस रेडी करना है, उसके लिए आप कोचिंग ले रहे हो, तो एक तरीके से आप अपने माइंड को स्टक कर रहे हो कहीं ना कहीं, राइट? आप जैसे सर ने बोला कि भाई स्पून फीडिंग हो रही है, राइट? बिल्कुल स्पून फीडिंग हो रही है सर, कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ तो कहीं हो ही नहीं रही आपकी, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं, वो एक रेप्यूटेड सिविल सर्विसेज के कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो दे शुड बी अवेयर कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या इम्पोर्टेंट है, रेदर देन फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग ब्लाइंड। सही बात है मैम, कोचिंग लेने की नीड नहीं है एनसीईआरटी की, क्योंकि ये एक सेल्फ गाइडेंस प्रोग्राम है, तो इसके लिए क्यों इतने पैसे वेस्ट करने और क्यों ऐसे मतलब इतना सारा टाइम भी वेस्ट करना, तो एनसीईआरटी तो खुद ही पढ़नी चाहिए सर। तो ये सोचने वाली बात है, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।